हाय हेलो नमस्कार मुझे आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान सिंह चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो आज आपको वेलकम करुच्ची। आज इंटरेस्टिंग भिडियोटी आपर एग्जाम तो सब सरी जा बेसिक बेसी नर्सिंग सबू एग्जाम सरी जाए बर्तमान पाने बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा डाउट पे मत बहुत कले मुझे मो वर्कअप प्लेस टी आउटसाइड्रे अच्छी तो से भिडियो भी बन पार नी। तो बहुत पिलामानकर क्वेश्चन कि आमर क्वेश्चन रे प्रॉब्लम थिला आपन को अंडरलाइन देजी वर्ड बाछिया पई सिनोनिम एंटोनिम किंतु से वर्ड रे कोनोसी जगह रे अंडरलाइन नाही। ओके सेथिरे तुमको ग्रेस मार्क मिलिबो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपन मानकर टिके प्रॉब्लमेटिक देजी तो सेथिरे कोन करिवे बा सेथिरे कोन मिलिबो कि आपन को ग्रेस मार्क। एग्जाम कोन आउ थरे कंडक्ट करिवो कि डीएमईटी एटा भी बहुत पिलामानकर क्वेश्चन बहुत पिलामाने दाबी भी करछंदी। ओके देन आउ गोटे क्वेश्चन कोन ना आमर मेनली पिलामाने कहउछंदी कोन ना थर्ड शिफ्ट रे हार्ड क्वेश्चन आसीथिला। ओके तो ए सबु भितरे आमे डिस्कशन करिबा आमे कोन करि परिबा कोन न करि परिबा कोटा ठीक कोटा भूल। ओके तो ठीक अछि आमे एबे देखिबा आपणंकर मोस्ट 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 जोटा कि डाउट रहउछि कोन ना केउ शिफ्ट रे हार्ड क्वेश्चन आसीथिला। ओके नै नै ता पूर्वर मु आउ गोटे कथा क्लियर करिवा पय चाहउछि बीएससी नर्सिंग एग्जाम आउ थरे हेबो कि नाही। ओके मुझकी जानी मुझकी सियोरीटी अच्छी आर थरिक पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट रे देखा नर्सिंग रू फंडामेंटल्स आसीला किंतु सेठी जितेबाला एग्जाम है मैथ आउ रिजोनिंग आसीला। ओके सेठी मैथ आउ रिजोनिंग आसाला आते बहुत सारा कम्प्लेन करी पाने भी ऑनलाइन में कही कि कम्प्लेन करने कि कौन सी भी सल्यूशन बाहर नाला तापर सी ऑटोमेटिक रिलीज करदे रिजल्ट। ओके किंतु एपण मैंने देखिए कौन हम ना नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपर एथरिक नर्सिंग रू अल्प किसी आसी मैथ रू जमा भी आसी नहीं आउ जनरल फंडामेंटल्स जनरल बायोलॉजी रू पाखापाखि क्वेश्चन आसी। ओके तो एम एक स्योरिटी हो पारा बीएससी नर्सिंग एग्जाम आउ थे होबार चान्स बहुत कम। ओके मुझे पारिपर कि बहुत कम कारण गोटे एग्जाम कंडक्ट करने जी एक्सपेंडिचर जी जहाँ भी सब मैन पावर जी सबकि सिस्टम जी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब दरकार एग्जाम कंडक्ट करने से भावे जदि किसी स्ट्रंग पॉइंट न थाए ताहाले एग्जाम कंडक्ट हुए ना आउ थे। ओके एग्जाम कंडक्ट आउ थे हुए ना जदि से किसी स्ट्रंग पॉइंट न थाए तो आम पाखे ये कौन दुटा चार जो आम प्रोब्लेम्स रोची डीएमईटी सल्यूसन करनीए ताल एग्जाम करने को दरकार पड़ोनी। ओके देखिए से सल्यूसन सब कौन से मैंने करेंगे गोटे कथा क्यों सिफ्ट्रे हार्ड क्वेश्चन आसाला। ओके मुझे पिलाठ बुझिली फास्ट सिफ्ट्रे ठीक अच्छे चलो पिला आवरेज रिजल्ट करवरेज क्वेश्चन आंसर देते सेकेंड सिफ्ट्रे भी से भाया मत जी रिव्यू मिली जी सब डिटेल्स मिली कि सेकेंड सिफ्ट्रे भी आवरेज थी कि थर्ड सिफ्ट पे कौन कि आमपाई हार्ड थिला। ओके एटा मु पिला मान को दोष केबे भी देबिनी कि जो माने क्वेश्चन आंसर तैयार करछन केबे भी कहि होबनी कि से माने माने जहां बनौछंती क्वेश्चन सेटा तुमको इजी लागिवो कि तुमको हार्ड लागिवो कि सेटा तुम पई माने कोन सेटा डिपेंड करे। ओके मेनली कोन ना से क्वेश्चन सब तुमर सिलेबस रो आसीथिला तो से फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी प्लस 2 सिलेबस रो आसीला तो जदि आसीथिला तापर भी तुम्हें कौच हार्ड अच्छी ताहले गवर्नमेंट शुणबना ही आम कथा। ओके मुझा कहूँ से जनरल कथा मु पिला प्रति बायस रोनी कि गवर्नमेंट प्रति बायस रोनी ये पिला निश्चिंत मु पिला प्रति टे बायस रही पिला प्रति मोर सपोर्ट अच्छी किंतु मु नॉर्मली कथा कहूँ। ओके गवर्नमेंट केबे भी ये सब क्वेश्चन जो आम कहे हार्ड क्वेश्चन आसला देन जदि सिलेबस रो हार्ड क्वेश्चन आसी ना गवर्नमेंट सेठी आम कथा जम्मा भी शुणबना। ओके एटा गोटे पॉइंट गला देन फास्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट। ओके मन रखु आमर आपण भावुवे कि थर्ड शिफ्ट आमर अधिका कटअप जीव अधिका मार्क सिलेक्शन जीव मन रखु गोटे कथा कहूँ आपण मैंने सब मन रखिए ये जो सब एंट्रान्स एग्जामिनेशन हुए यहाँ फास्ट सेकेंड थर्ड एकाथे मिसिकी गोटे आपणकर रिजल्ट को फाइनाल करा जाए। ओके एथिरे परसेंटाइल देइछि परसेंटेज देइनी परसेंटाइल रो मीनिंग से या कि जो रहला फास्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट कौ एग्जाम मनकर सेकेंड फास्ट शिफ्ट रे केते हाईएस्ट अछि कि सेकेंड शिफ्ट रे केते हाईएस्ट अछि थर्ड शिफ्ट रे केते हाईएस्ट अछि पिला मानकर टोटल ए तीन शिफ्ट रो रिजल्ट को नेइकरी ही आपनकर कोन हुए
जोटा कि परसेंटाइल बाहर करा जाए ओके केते परसेंट माने केते मार्क रु केते परसेंटाइल तुम रहिला ओके मन रखु सेपरेट सेपरेट बाहर ना ओके फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट गोटे कंबाइन होकरी आसे बा कंबाइन होकरी ही आपर परसेंटाइल बाहर ओके यहाँ गोटे बुझीगला तो ठीक अच्छे आम निश्चिंत आम जहाँ करहब आम निश्चिंत करवा ओके आउ गोटे क्वेश्चन कौन ना थर्ड शिफ्ट रे मत जी पे कही थर्ड शिफ्ट रे कौन है ना अंडरलाइन आसी कौन ना इंग्लिश रे यही सेंटेंस रो यही जो वर्ड रो सिनोनिम बा एंटोनिम बाहर करो ओके किंतु से जो देची जो सेंटेंस तादर गोटे जगार भी कौन ना ना अंडरलाइन ना ये क्वेश्चन मु 100% ग्यारंटी दे पारिबी यदि तुम्हें किसी जन पिला 500 हो हजार हो यदि आम कन्वेनर नर्सिंग 1@gmail.com यदि आम तांको मेसेज करिबा से निश्चिंत यही कथा को सुनिबे आउ एठी आम ग्रेस पायार 100% योग्य ओके ग्रेस मार्क ये आमको 100% मिल कौन मिल कहली ओके तो ग्रेस मार्क आमको 100% मिल आपर जहाँ भी कम्प्लेन अच्छे जहाँ भी जो रिगार्डिंग एग्जाम क्वेश्चन रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन रनसर से ना पे कहते गोटे फिजिक्स क्वेश्चन पड़ी ओके पिलामाने एटा भी मध्य कंप्लेंट करछन्थि कोन ना फिजिक्स क्वेश्चन गोटे पड़ी जो थिरे कि करेक्ट आंसरटा ऑप्शन रे नाही ओके तो से आंसरटा कौन से क्वेश्चनटा कौन केते नंबर रे थिला जहाँ भी जदि मन अछि तांको मेल करंतु ओके एनी हाउ जे कोनसी पिला भी मेल करंतु जणे पिला कले भी समस्त पाइबे किंतु आमे यूनाइट होकरी समस्ते मेसेज बा आपनको कंप्लेंट करने कहबू ओके बट निजे समय चेष्टा करवा कि समस्ते कंप्लेंट करवा ओके आपण मैंने देखने यही जो जिमेल देखी जिमेल कंटाक्ट करूँ फोन तो से प्राय उठाऊना फोन भी से मैंने रिसीव करवाटा भी पाखे इम्पॉसिबल कारण पर्टिकुलर टाइम अच्छी 9 बा 10 5टा कितु आम जिमेल करके जिमेल आपण मैंने बहुत संख्यार करूँ कंप्लेन आपर जहाँ अच्छी जिमेल कन्वेनर नर्सिंग 1@gmail.com मेसेज करंतु ओके तो ठीक अच्छे आमे ग्रेस मार्क जो केस रे आमे कहूचे से केस रे पाइबा 100% जो केसटा मु कहूची जदि ए भलिया किछि केस हेताए ओके जदि ए भलिया केस हेताए आमे 100% ग्रेस मार्क पाइबा तापर आउ गोटे क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड ओके नर्सिंग एप्टीट्यूड रे आमको ए भलिया आबे क्वेश्चन दिया गला किंतु मॉक टेस्ट रे ए भलिया आस्थिला ओके तो एथिरे जो पिला माने भी माने चाहूचंती आर रिजल्ट कोन हबो ओके जदि आम देखा नर्सिंग एप्टीट्यूड रे से मैथ्र जेनराल एप्टीट्यूड दे प्लस ये आमर जो रहिला रिजोनिंग टाइप्स दे आर वर्ष पिलामानंकु नर्सिंग एप्टीट्यूड रे नर्सिंग फंडामेंटल्स ही बहुत गुड़े क्लास कराई नर्सिंग फंडामेंटल्स किंतु ओलटा आसी जोटा कि मैथ आउ रिजोनिंग मत बहुत से वर्ष माने मु डीएमईट माने पाखरु आशा करथिली कि पिला माने बहुत मार्क ग्रेस मार्क मिलिबो ओके किंतु सेमिति से किछि भी पब्लिश आउट कलेनी कि सेमिति किछि भी क्लारिफिकेशन रखिलेनी कि कोन हेछि कोन नाही डीएमईट रो एटा गोटे बहुत बड़ो बैक रहूछि लॉ बैक रहूछि कोन ना से जमा इंटरेक्शन करूनी किछि पीडीएफ बाहर करनी कि हां आम तरफ रे या भूल हो जाइछि आमे आकु केमिति मैनेज करिवु एमिति मैनेज हबो ए सब किछि भी डीएमईट करूनी एटा तार गोटे बहुत बड़ो बैक पॉइंट तो किंतु आमको ये जदि नर्सिंग एप्टीट्यूड रे माने से सिलेबस रे क्लियर करौ नाय सिलेबस रे जदि क्लियर कर दियंदा फिजिक्स रो जेंदे आमको किछि क्लियर करया पई पडुची आमे जानिछु फिजिक्स कोन पडिवो फिजिक्स रो प्लस 2 लेवल रो फिजिक्स पडिवो ओके देन सेइ बेले हबे केमिस्ट्री आमको कोन आमे कहुचु कि केमिस्ट्री आमको सिलेबस अनुसार देइनी अलगा देइची केमिस्ट्री रो अलगा पडिवो नाय कारण केमिस्ट्री सेइ रिगार्डिंग भी पडिवो नर्सिंग एप्टीट्यूड रो माने आपण माने जदि अलगा स्टेट रे सब देखिबे अलगा हमर बीएससी एंट्रेंस रे देखिबे नर्सिंग एप्टीट्यूड रे केवल बेसिक नर्सिंग फंडामेंटल्स पढ़े ओके जोटा कि बेसिक नर्सिंग फंडामेंटल्स किंतु आम ए क्षेत्र रे बा ओडिसा डीएमईटी तरफ जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग रो एग्जाम कंडक्ट करछि से कोन करूछन्ती कोन नाही मु आगरु भी बहुत थोर कहिछि माने माने मति भ्रम हला भलिया करूछन्ती कोन ना सिलेबस दउछन्ती नर्सिंग एप्टीट्यूड पकोछन्ती मैथ केतेबेले पकोछन्ती रिजोनिंग सिलेबस दउछन्ती नर्सिंग एप्टीट्यूड केतेबेले पकोछन्ती नर्सिंग केतेबेले पकोछन्ती जहा भी ओके एटा मु कहूछि एटा बहुत बड़ ड्रॉबैक डीएमईटी एबोली बा जम्मा बी पिलामानक सहित करबा कथा नुहे ओके आ रिगार्डिंग भी आपने कम्प्लेन करूँ ओके ठीक अच्छे देन आसला ग्रेस मार्क कथा मुझे तो एबे कौन करा पड़ो एमें सेमती किसी भी बाड़े छाटी होगले कि भी मानने क्या कहले सेमती कहीं भी शुणवेनि आमको रिटिन्रे कम्प्लेन करार अच्छी जिमेल आई डी देना
ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ନାଁ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ପିଲାମାନେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। convenon@gmail.com ଏଇ ଜିମେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ଆନ୍ସର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ବି ମନେକର ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ରେ ସେ ଅପ୍ସନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେବ। ଯାହା ବି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ବହିର ଫଟୋ କି କିଛି ବି ଫଟୋ, ତୁମେ ବି ଜିମେଲ୍ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁକୁ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଥିରେ ସହଜ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯିଏ କରୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସମାନ ବୋଲି ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା। ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ରୁ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, 100% କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇକରି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ମାର୍କ ବା ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ DMET ର ଯାହା ବି ମୁଁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କହିଲି ସେସବୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ମେ ବି DMET କ୍ଲିୟର ଜମା ବି କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 100% କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। DMET ତ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ସିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଏସବୁ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେନି, କହିଲେ ଆମ କମିଟି ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ। ଏଥରକ ବି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଥିଲି କି ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଆସିଛି ବୋଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମ କମିଟି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ତ କମିଟି ଡିସିସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କମିଟି ଡିସିସନ୍ କ'ଣ କଲା, ତୁମେ ତ ରିଲିଜ୍ ବି କରୁନ, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁନ କି PDF ବି ତୁମର ସାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏନି ହାଉ, ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ DMET ର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ସରି, ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇଛି convenon@gmail.com, ସେଇଥିରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେବଳ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକରି ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଫେକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ବି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କହିବି, DMET ର ବହୁତ କିଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ତୁମେ କ୍ଲିୟର୍ ହିଁ କରୁନାହଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା DMET ର 100% ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଉ କେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ବା କେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।